वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है दीक्षा पोर्टल पे नए जो ऑनलाइन मॉड्यूल है प्रशिक्षण है वो शुरू हो चुके हैं। अब इसके लिए जो लेटेस्ट आदेश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें 5 ऑनलाइन मॉड्यूल जो प्रशिक्षण कोर्स शुरू किए जा चुके हैं। आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उनमें किस तरीके से आपको भाग लेना है, किन किन शिक्षकों के लिए कौन कौन से कोर्स करने हैं अभी फिलहाल ज़रूरी है, इनरोलमेंट की अंतिम तारीख क्या होगी और किस तारीख तक आपको कोर्स पूरा करने पड़ेंगे, सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, ये जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त जिलों को है और जिसका विषय है कि RSCERT द्वारा निर्मित दीक्षा पोर्टल पर प्रारंभ किए गए 5 ऑनलाइन मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण करने के संबंध में, और जिसमें ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के एक लेटर का भी हवाला दिया हुआ है जो 24/9/2024 को जारी हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय और प्रसंगागत पत्र के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार RSCERT द्वारा निर्मित 5 ऑनलाइन शिक्षक मॉड्यूल कोर्स यानी जो प्रशिक्षण कोर्स है उसमें सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष 50 घंटे का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी CPD करना आवश्यक है अपेक्षित है, और ये कोर्स सभी शिक्षकों द्वारा निम्नांकित लक्ष्य समूह के अनुसार 1/10 से 31/11 तक पूर्ण किया जाना है, जिसका लिंक मैं पोस्टर संलग्न किया जा रहा है। मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा, लिंक भी बता दूंगा, स्कैनर भी बता दूंगा, इसके अलावा सीधा लिंक बता दूंगा जहाँ से आप क्लिक करके सीधे ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि 1/10 यानी 1 अक्टूबर से ये शुरू हो चुके हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जब भी समय मिले आप इस कोर्स को थोड़ा थोड़ा देखते रहें, पूरा करते रहें, और 31/11 यानी 31 नवंबर तक आपको ये कोर्स पूरे करने हैं। अब इसमें 5 जो मॉड्यूल दिए हुए हैं, इसमें पहला जो है वो है प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, ये समस्त शिक्षक यानी सभी शिक्षकों को करना जरूरी है, जिसमें समस्त आगे लेवल 1 लेवल 2 वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता वगैरह सभी के लिए। दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग रिकवरी, ये लेवल 1 के शिक्षकों के लिए है। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर पर समेकित शिक्षण विधियाँ, ये लेवल 2 के शिक्षक साथियों के लिए है। तीसरा है विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग और सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया, ये शिक्षक लेवल 1 और 2 इनके लिए ये कोर्स जरूरी है। और अगला 5वां जो है कोर्स है वो है कक्षा प्रबंधन, ये माध्यमिक कक्षाओं के लिए यानी कि वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता साथी जो भी है उनके लिए है। अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के सभी लक्षित समूह द्वारा उक्त वर्णित कोर्स निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। ये डायरेक्टर महोदय एलिमेंट्री एजुकेशन विकानेर का लेटर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, राजकाज के रेफरेंस नंबर भी है। अब ये तो हो गया, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इन कोर्स का आपको लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक तो मैं आपको ईमेल पे सीधा इनका लिंक बता देता हूँ, यहाँ से कोर्स ज्वाइन करने की जो अंतिम तिथि 25 नवंबर है, पहला जो कोर्स है माध्यमिक कक्षाओं के लिए कक्षा प्रबंधन, ये सीधा लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करते ही सीधे कोर्स पे लॉगिन हो जाएंगे। अब आप इसको कंप्यूटर में भी कोर्स को पूरा कर सकते हैं और अपने मोबाइल में भी दीक्षा ऐप में भी कर सकते हैं, या गूगल क्रोम में भी आप साइन इन करके कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा, 5ों कोर्स इसमें दिए हुए हैं, उच्च माध्यमिक स्तरीय तो समेकित शिक्षण विद्या, प्राथमिक कक्षा में लर्निंग रिकवरी, प्रशिक्षकों हेतु बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स जो सभी के लिए है, और पीयर लर्निंग, ये हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस तरीके से एक PDF है, नॉर्मल PDF में आप जैसे क्लिक करते हैं तब आपके ये लिंक काम नहीं करता, लेकिन इसमें काम करेगा। और इस PDF को मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये शिक्षा विभाग राजस्थान, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नांकित समस्त कोर्स 30 नवंबर 2024 तक उपलब्ध है एवं रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक ही उपलब्ध है, यानी 25 नवंबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और 30 नवंबर तक आपको हर हाल में कोर्स पूरा करना है, और अक्टूबर से यानी 1 अक्टूबर से कोर्स शुरू हो चुके हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। अब दीक्षा ऐप अगर आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो उसको आप एक बार अपडेट कर लें प्ले स्टोर से, उसके बाद में आपको सेलेक्ट में स्टेट एज राजस्थान सेलेक्ट करना है, यानी स्टेट सिस्टम में जाकर के आपको लॉगिन करना है जिसमें राजस्थान सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी लॉगिन विधि और NSTAP NEC यानी जो आपके शाला दर्पण में स्टाफ लॉगिन के ID पासवर्ड जो भी है NSE ID उससे आपको लॉगिन करना है। अब इसमें पहला काम तो आपको, अगर मान लो आपके दीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो आपको डाउनलोड करना है, पहले से डाउनलोड किया हो तो उसको अपडेट कर लें। कई बार समस्या है जो पहले से डाउनलोड कर लिया सीधे काम में लेते हैं तो लिंक काम नहीं करता या और कोई समस्या आती है, तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप जो भी इसका अपडेटेड वर्जन है प्ले स्टोर से वो अपडेट वर्जन या तो डाउनलोड कर लें, या आपके पहले से अगर डाउनलोड किया हुआ है तो उसको एक बार आप अपडेट कर लें प्ले स्टोर में जा करके। उसके बाद में यहाँ आपको शाला दर्पण के माध्यम से जो भी स्टेट लॉगिन है उसमें से आपको इनरोल करना है, और 25 तारीख तक आपको हर हाल में इसका इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
और 1 अक्टूबर से कोर्स शुरू है और 30 नवंबर तक आप उसको पूरा करना है। अब यहाँ जो भी कोर्स है, यहाँ जैसे आज पहला कोर्स है माध्यमिक कक्षा हेतु कक्षा प्रबंधन, यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में खुल जाएगा। मोबाइल में शायद ये लिंक काम करे नहीं करे, तो मैं आपको ये ईमेल जो यहाँ दिए हुए, इसमें जो लिंक दिए हुए, ये लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे क्लिक करके इसमें लॉगिन हो पाएंगे। तो अब ये तो हो गया। अभी यहाँ मैं जो दूसरा कोर्स इसमें बता रहा था, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए जो समय की द्वितीयों वाला कोर्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके अलावा इसका ये स्कैनर है, यहाँ से आप सीधे इसको QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ कर सकते हैं। तीसरा प्राथमिक कक्षाओं के लिए लर्निंग रिकवरी, चौथा है प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स। अब इसमें भी जैसे यहाँ पहला है माध्यमिक शिक्षा, तो इसके लिए लक्षित समूह यानी वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता इनको करना है। दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो यहाँ लेवल 2 शिक्षक, प्राथमिक कक्षाओं के लिए लेवल 1 शिक्षक और प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, इसमें समस्त शिक्षक आएंगे। और पीयर लर्निंग में इसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी शिक्षक साथी है उनको ये कोर्स करना है। अब इसके बाद में यहाँ से ये आप दीक्षा लॉगिन ऐप का यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगले 5 से 7 कार्य दिवस में इस अमूकीकरण के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी जैसे आप कोर्स करेंगे सब कंप्लीट कर देंगे तो उसको आपको पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आपके अमूकीकरण कोर्स पूरा होने के पर दीक्षा ऐप पर प्रगति 100% होने के में लगभग 24 घंटे समय लगता है। तो आप एक बार कोर्स पूरा करने के बाद में थोड़ा सा वेट करें, अपडेट होने में समय लगता है और अपडेट होते ही आपका सर्टिफिकेट है वो जारी हो जाएगा। और राज्य स्तर की आपकी सुविधा हेतु ईमेल आईडी और टेलीग्राम समूह राइज दीक्षा ऑनलाइन हेल्प नाम से उपलब्ध है। तो ये पूरा मैंने आपको इसका लिंक वगैरह बता दिया। अब यहाँ से भी आप यहाँ से अगर मान लो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ जैसे ये भी तो काम नहीं करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ जो भी दीक्षा ऐप है वो खुल जाएगा। अब यहाँ एक दो और मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा अभी जैसे समय लग गया तो इसको मैं एक बार आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये ईमेल आईडी थी, यहाँ से इसमें मैंने लिंक दिए हुए, अब यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने नए टैब में ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपके इस तरीके से कोर्स है वो देखना शुरू हो जाएंगे। ये तो अभी मैंने आपको आदेश बता दिया। यहाँ लॉगिन के लिए आपको यहाँ इसमें स्टेट लॉगिन में जाना है, आपके मोबाइल और पासवर्ड से या आपके गूगल से किसी भी तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरीके से ये लॉगिन का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अब मैं यहाँ से एक बार लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने जैसे अभी लॉगिन किया था लेकिन कुछ समय की देरी के कारण ये लॉगिन है वो आउट हो गया था। अब यहाँ से वापस मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये हो गया, अब आपके यहाँ से जो भी कोर्स है यहाँ अगर मुख्य कंटेंट में जाए यहाँ से कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। आप कोर्स में नामांकन करना है आपको, तो पहले आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए यहाँ से जैसे मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये लॉगिन किया हुआ है, यहाँ आपका जो भी नाम वगैरह आ जाएगा और यहाँ से नामांकन करें इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से बैच प्रारंभ करने की स्थिति है, जैसे 2 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो जाएगा। आज जैसे 2 अक्टूबर है तो ये आ गया कि कोर्स सफलतापूर्वक बैच के लिए नामांकित हुआ। अब आपके कोर्स पहले तो आपको इनरोलमेंट करना पड़ेगा, नामांकन के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। अब जैसे मैंने ये नामांकन कर लिया है, अब यहाँ से इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, जिसमें आपका नाम, उपयोगकर्ता का नाम, विद्यालय की आईडी वगैरह ये सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। और मैं यहाँ से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से आगे आपको क्लिक करना है और यहाँ से अगला जो आपका ये प्रोफाइल सेटिंग सफलतापूर्वक होगी। अब आपको कोर्स टाइटल में जाना है, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ये अभी जैसे आपके आएगा कि कोर्स अभी प्रोग्रेस है, यहाँ से कोर्स टाइटल मॉड्यूल पर आप जाना है और इस तरीके से लोडिंग और कंटेंट लेगा। ये का ये आपके मोबाइल में या इस दीक्षा ऐप में भी आपके इसी तरीके से ये काम करेगा। आप दोनों तरीके से, अगर कई लोगों के दीक्षा ऐप में मोबाइल में समस्या होती है तो आप इसको ये बड़े स्क्रीन पे, यानी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ तो ये लैपटॉप पे बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स को आप यहाँ से पूरा एक बार सुन लें अच्छी तरह से, जो भी यहाँ दिया हुआ है। मैं थोड़ी सी इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये आप पूरा जो कोर्स है, एक एक मॉड्यूल इसका आपको ये जैसे 11 सेकंड का है, ये आपके पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक एक मॉड्यूल जैसे ही पूरा हो जाए उसको आपको ये नेक्स्ट करना है इसमें। और इसके बाद में जैसे ये पूरा हो गया, अब इसके बाद में आपको इसका अगला जो भाग है, इस तरीके से एक 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 भाग आपको यहाँ से करते जाना है। यहाँ से जैसे कोर्स हो गया, अब यहाँ से ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, अब इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में जाना है। यहाँ से यू हैव कंप्लीटेड दिस मॉड्यूल, आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में जाना है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल, यहाँ से इस मॉड्यूल का परिचय हो जाएगा। उसके बाद में मॉड्यूल के संबंध में जो भी जानकारी है, इस तरीके से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप है वो मॉड्यूल है आपको यहाँ पूरे करने हैं। तो जैसे जैसे आप मॉड्यूल पूरे करेंगे यहाँ से आपकी प्रोग्रेस 0.1.0.2.0 इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। यहाँ से जैसे ही आपके दूसरा जो मॉड्यूल है ये शुरू हो चुका है, तो थोड़ी सी मैं इसकी आवाज़ है वो
आप सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षक की मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली अधिगम प्रक्रिया के लिए। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो भी टाइम 3 मिनट का 4 मिनट का जितना भी समय है आप इसको पूरा करके नेक्स्ट मॉड्यूल करके जाए, और इस तरीके से आपको पूरा मॉड्यूल जो है लास्ट में आपके प्रशिक्षण जो भी परीक्षण होगा जिसमें आपके कुछ प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे मॉड्यूल से संबंधित, और इस मॉड्यूल में कुल मिला करके जितने भी व्यूज वगैरह है वो सारे आपके पूरे करने हैं, तब आपका ये कोर्स पूरा होगा। इस तरीके से प्रत्येक कोर्स पर आपको जो भी आपके लिए है उस पर आपको लिंक करके उसका रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और नियत तारीख तक यानी 30 नवंबर तक आपको इस कोर्स को पूरा करना है। ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको दीक्षा ऐप से संबंधित जो भी कोर्स है उनको लॉगिन करना है, पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बता दिया। इन सब लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।